अहमदाबाद यार चाहिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फिलहाल अभी मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं ना, ये गरीब नवाज एक्सप्रेस है। और आज हम लोग इस ट्रेन में जो है ना वो यात्रा करेंगे फ्रॉम मऊ से लेकर और टू आपका किशनगंज रेलवे स्टेशन तक। भाई आज का अपना जो कोच है ना वो आप देख सकते हैं, काफी हटके जो है ना वो कोच है। HB1 में आपको दिखाता हूँ, 24 नंबर है, ये वाली सीट है 24 साइड लोअर बर्थ। और इसमें आपको एक खास बात जो है ना वो HB1 का मतलब जो है ना वो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। प्रथम वानाकूलित विथ 3AC का जो कोचेस है ना वो इसमें लगे रहेंगे। आपको दिखाता हूँ कैसा है, चलिए आपको दिखाता हूँ HB1 का कोच जो है ना वो कैसा होता है। आपको इसमें 1AC के जैसे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और इधर तो भाई आज की हम लोग की जो सीट है ना वो साइड लोअर है और बाकी गरीब नवाज एक्सप्रेस में। और अभी बिल्कुल भाई जो ट्रेन है ना वो 4 से 5 घंटे जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल लेट हो चुकी है। तो बिल्कुल जो हम लोग की जो ट्रेन है ना वो 5 बजे जो है ना वो यहाँ से डिपार्चर कर रही है अपने स्टेशन से, मऊ स्टेशन से। ये हम लोग स्किप कर रहे हैं रतनपुरा रेलवे स्टेशन को।
काफ़ी स्लो गति से जो है ना वो स्किपिंग चल रहा है भाई। ऐसे रात तक तो बहुत ही ज़्यादा लेट होगा रतनपुरा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रसड़क जो है ना वो स्किप कर रहा हूँ। ऐसे बहुत पहले जो है ना वो कभी स्किप नहीं किया था। एक बार हाँ गरीब नवाज में ही बैठा था, लेकिन फिर भी जो ट्रेन थी ना वो उस टाइम स्किप नहीं की थी। और इस बार जो है ना वो देखते हैं स्किप करती है या फिर नहीं करती है। हम लोग जो है ना वो बिल्कुल रस्ता को है ना वो स्किप कर चुके हैं। और आपको भी दिखाता हूँ, गरीब नवाज में अगर आप बेडरोल वगैरह मांगते हैं ना तो आपको भाई जो है ना वो आपको ऐसे ही खोलने में जो है ना वो दे दिया जाएगा। वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो बेडरोल वगैरह है ना वो आपको ऐसे ही दे दिया गया है इस गरीब नवाज एक्सप्रेस में। और बाकी पानी अगर आप इस ट्रेन में खरीदते हैं तो आपको किंग रॉयल जैसे पानी जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अब भाई गर्मी इतना है कि आपको रेलनीर खोजते खोजते जो है ना वो आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपको भाई पानी पी के ही आप यात्रा को जो है ना वो काम चलाएं। और बाहर भाई इतनी भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं जाके डोर प्लेटिंग जो है ना वो नहीं थोड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए फिलहाल बाकी इधर का है। तो भाई बिल्कुल अभी हम लोग चिल्कैर को जो है ना वो स्किप कर रहे हैं, चिल्कैर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन को भी जो है ना वो काफ़ी थोड़ा प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल जो प्लेटफॉर्म है ना वो है यहाँ का। चिल्कैर तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं, शायद 5 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। और भाई अभी भी इतना भयंकर भाई बहुत ही ज़्यादा हीट वेव है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और अपनी जो ट्रेन है ना गरीब नवाज एक्सप्रेस वो पहुंच रही है फेफना। चलिए आपको फेफना का जो है वो पहले आपको स्किप दिखाता हूँ।
भाई गर्मियों के दिनों में ना भाई आप जितना हो सके ना उतना आप अवॉइड कर लीजिए इससे ट्रेन यात्रा को, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा हीट वेव जो है ना वो चल रहा है। तो भाई अब हम लोग पहुँचने वाले हैं बलिया रेलवे स्टेशन और आपको दिखाता हूँ बलिया का अराइवल। बलिया रेलवे स्टेशन मेन लाइन पे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन उधर आ रही है भाई सूर्यमनपुर पे। सूर्यमनपुर पे अभी जो ट्रेन थी शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उस पर है ना कौन सी ट्रेन आ रही है S6 यहाँ तक मुझे लगता है गरीब महाराज एक्सप्रेस होगा भाई बलिया पे मिलने भाई बहुत ही लेट। मालगाड़ी के इंजन के साथ गरीब नवाज बैठ गए हेलो Hello.